हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। बच्चों, पिछले वीडियो सेशन में हमने एक कहानी लिखी थी और कहानी लिखते वक्त किस बातों का ध्यान रखना है वो मैंने समझाया था। आज हम एक और कहानी लिखेंगे और आपको पता ही होगा कि कहानी लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो इसकी रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, फिर रूपरेखा का विस्तार करना चाहिए और उसकी मुख्य घटना और प्रसंग क्या है वो समझकर उसको अलग अलग परिच्छेद में क्रम अनुसार लिखना चाहिए। उसको एक उचित शीर्षक, मतलब कि उसके पात्र के अनुरूप या फिर उसकी कहानी के अनुरूप या उससे मिलने वाला जो संदेश है उसके अनुरूप कोई शीर्षक देना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है सीख, कहानी से जो सीख मिलती है वो भी हमें लिखनी चाहिए। कहानी सुंदर अक्षरों में लिखनी चाहिए और उसमें उचित विराम चिन्ह करने चाहिए और अच्छी लिखावट से लिखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ रूपरेखा दी है, नाले के किनारे एक वृक्ष, वृक्ष पर एक कबूतर, नाले में बहती हुई चींटी, कबूतर का देखना, पत्ता तोड़कर नाले में गिराना, पत्ते के सहारे चींटी का किनारे पर आना, एक शिकारी का कबूतर पर निशाना ताकना, चींटी का देखना, शिकारी के पैर में काटना, चौंकना, निशाना चूकना, पत्तों की खड़खड़ाहट, कबूतर का उड़ जाना और सीख। तो बच्चों, ये रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लो, एक दो बार पढ़ लो, फिर ये क्या कहानी है ये समझ लो, इसके पात्र और स्थान भी हमें लिखने हैं। तो यहाँ प्रथम परिच्छेद में हम लिखेंगे, गंगापुर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा नाला बहता था। उस नाले के किनारे पर बरगद का एक वृक्ष था, उस पर एक कबूतर रहता था। तो इस तरह हमने ये कहानी में स्थान बताया कि गंगापुर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा नाला बहता था, उस नाले के किनारे पर एक बरगद का वृक्ष था, उस पर एक कबूतर रहता था। अब उसके बाद दूसरे परिच्छेद में, अब ये जो कहानी है उसकी मुख्य घटना, उसका प्रसंग जो है वो हम लिखेंगे। एक दिन दोपहर को कबूतर बरगद के वृक्ष की एक डाली पर बैठा था, इतने में उसने नाले के पानी में एक चींटी को बहते हुए देखा। वह किनारे पर पहुंचने के लिए छटपटा रही थी। कबूतर को इस चींटी पर दया आ गई, उसने तुरंत एक पत्ता तोड़कर नाले में चींटी के पास गिरा दिया। चींटी झटपट पत्ते पर चढ़ गई और उसके सहारे किनारे पर आ गई। उसने मन ही मन कबूतर का एहसान माना। तो ये तो प्रथम प्रसंग हुआ कि कैसे कबूतर ने चींटी की जान बचाई। अब उसके बाद वाले परिच्छेद में देखेंगे कि चींटी किस तरह कबूतर की जान बचाती है, वो किस तरह उसकी भलाई का बदला चुकाती है। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उस बरगद के पास आया। पेड़ पर कबूतर को देखकर उसने निशाना लगाया। कबूतर को तो इस बात का ख्याल तक न था। इतने में उस चींटी ने शिकारी को देख लिया। शिकारी तीर चलाने वाला ही था कि चींटी ने उसको पैर में काट लिया। शिकारी चौंक पड़ा, उसके धनुष से तीर तो छूट गया पर वह निशाना चूक गया। पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर कबूतर उड़ गया और उसकी जान बच गई। तो इस तरह चींटी ने भी कबूतर की भलाई का जो बदला था वो दिया। अब इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाकर उपकार का बदला चुका दिया। तो बच्चों, इसको हम क्या शीर्षक देंगे, भलाई का बदला। और इससे हमें क्या सीख मिलती है, भलाई करने वाले का सदा भला ही होता है, अतः हमें दूसरों का हमेशा भला करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी कहानी भलाई का बदला। तो आपको भी इस तरह कहानी लिखने की प्रैक्टिस करनी है, रूपरेखा के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करके, और
अपनी सोच से कहानी लिखनी है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सलामत रहिए। थैंक यू।